लोगों ने नागपुर में धम्म दीक्षा ली, दिल्ली में और लखनऊ में, मैम ऐसा क्या कारण है कि धम्म दीक्षा लेते ही बवाल हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये चीज़ माननी चाहिए कि अभी हाल ही में हमें क्या नाम है दिल्ली में जो बौद्ध धर्म की एक दीक्षा का एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें 10,000 लोगों को दीक्षा दी गई, जिसमें इतना बवाल मचा जो एक तरीके से अगर हम देखें तो कि धर्म दीक्षा अगर ली तो उन्होंने क्या नाम है उनका ये व्यक्तिगत मामला है और हर व्यक्ति को अगर हमें संविधान है, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान के अंदर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी को भी किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में मैम? आर्टिकल 25 के अंदर वो चीज़ मतलब दिया गया है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर वहाँ पे लोग अगर धर्म दीक्षा को अगर ये ग्रहण करते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला था जिसके अंदर इतना बवाल मचाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें जो बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं या तथागत बुद्ध को जो मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जो तथागत बुद्ध कहते थे कि हमेशा समानता मतलब एक ऐसा मतलब रास्ता दिखाते हैं कि जहाँ पे स्वर्ग और नरक का कोई भेदभाव ना हो, हम एक ऐसा मार्ग चुके जहाँ पे सभी समानता का अधिकार हो। तो यहाँ पे जो हमारा जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को बराबरी का अधिकार देता है, इसी को आधार मानकर ही जो हमारे बाबा साहब थे उन्होंने इसी दिन जिस दिन मतलब दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था उसी दिन मतलब उन्होंने बौद्ध दीक्षा ग्रहण करी थी। और जो हमारे जो सम्राट अशोक थे उन्होंने भी जो कलिंग का युद्ध हुआ था उस कलिंग के युद्ध में तमाम मतलब इतना नरसंहार हुआ था, इसे इतना आघात पहुँचा था उनके मन में कि उन्होंने जो विजयादशमी जो अशोक विजयादशमी के रूप में मनाई जाती है उसी दिन उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो यहाँ पर दिल्ली में जो बवाल इतना मचा जा रहा है कि राजनीतिक मतलब जो एक हथकंडे को मतलब का रूप लिया जा रहा है, अगर यहाँ पर जब राम मंदिर बनता है तमाम जो लोग उसमें इकट्ठा होते हैं जय श्रीम का नारे लगाते हैं, राम मंदिर में इतने लोग आते हैं तो तब तो उस चीज़ पर कोई बवाल नहीं मचता। हम लोग मानने वाले जो लोग हैं अगर ये सबको एक आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को माने, हम मैं अगर बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट हूँ तो मैं देवी देवता को नहीं पूजा माने नहीं मानना चाहती, क्योंकि मेरा मानना होता है कि जो महिला अगर इन पाखंडवाद जातिवाद और मूर्ति पूजा इनका अगर खंडन करती है वो पूरी तरह से अपने आप को बुद्धिस्ट ही मानती है। तो ये हमारा राइट है कि हम क्या नाम है बाबा साहब और तथागत के मानने वाले लोग हैं तो इसे बवाल जो मचाना है बेवकूफ़ी मचाने की बात कर रहे हैं। और जो यही सेंट्रल गवर्नमेंट है, यही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब क्या नाम है जय श्रीराम के लोग नारे लगाते हैं और जो बोलना भी नहीं चाहता है उसको क्या नाम है मारा जाता है, पीटा जाता है कि आप जय श्रीराम के नारे लगाएं, और जो मंदिर होते हैं और जो मस्जिद होते हैं उन पे क्या नाम है भगवान धारण करा के उन पे एक तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, तो तब आपकी क्या नाम है जो ये आप कह रहे हैं कि जो कानून है स्वतंत्रता है तमाम चीज पे ये हमारे हिंदू समाज पे ये कुठाराघात किया गया है तब ये कहाँ चला जाता है। ये तो एक तरीके से कहने की वाली बातें हैं कि आप जो करें तो वो सही है और हम जो अगर कहें तो गलत है। और ये बहुजन समाज है वाकई में आज जाग चुका है, ये मानता है कि ये जो ढकोसले जो पाखंडवाद है इसको नहीं मानना चाहिए और हमें तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए इस देश को बौद्ध में भारत बनाना चाहिए, मतलब मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ, ये मेरे विचार हैं जी। मैम कैसे बनेगा भारत बौद्ध में? भारत बौद्ध में भारत ये है कि आप एक बार बताइए कि क्या मूर्ति आप क्या नाम है काम मत करिए तो क्या मूर्ति आपको क्या नाम है काम धंधा आपको रोजी रोजगार दे देगी? कभी कोई प्रधानमंत्री या कोई यहाँ का दिल्ली का मुख्यमंत्री रोजी रोजगार पे तमाम कोई बातें नहीं कर रहा, आप इन मंदिर मस्जिद की ये मंदिर को बनाने की बात करते हैं, क्या मंदिर को बनने से क्या हम आम लोगों को फायदा हो सकता है? मैं मानती हूँ इस आम लोगों को ना इसमें रोजगार मिलेगा, रोजगार भी अगर राम मंदिर में देखा जा रहा है तो उनसे भी ब्राह्मण तबके के लोग स्वर्ण जाति के लोगों को मतलब मिल रहा है, हम जो बहुजन समाज के लोगों को वहाँ पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा? अगर आप देखें कि वो जो बहुजन सबका है अब उसमें तमाम जो ये जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया तमाम घोटाले हुए इनके बारे में कोई बात नहीं हुई, ये तो एक तरीके से हमारा जो बहुजन समाज है इनको डर इस बात का लग रहा है कि जो हमारा जो बहुजन समाज है वो आज जाग चुका है। अगर इतने लोग जो मानने वाले जो लोग हैं अगर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अब लखनऊ में भी बात चल रही है कि एक बड़ा मतलब दीक्षा मतलब प्रोग्राम चलने वाला है, तो अब इनके अंदर डर भी पैदा हो गया कि जो हमारे हिंदू के मानने वाले जो लोग हैं जो इन देवी देवता को मानते हैं जिनको डर बैठाकर लोगों को अंदर अंधविश्वास पैदा कर दिया गया है और हिंदू धर्म को ये आगे बढ़ाते हैं और हमारे मन में एक डर पैदा करते हैं, अगर इनको ना मानकर इनको एक दरकिनार कर हमारा जो समाज जो है अगर बौद्ध धर्म को अगर इतने लोग चले जाएंगे तो जो हिंदू धर्म तो एक तरीके से डमाडोल हो जाएगा। इनको एक डर पैदा हो गया है कि बहुजन समाज इतना मतलब आज जाग क्यों रहा है और ये धर्म परिवर्तन कर क्यों रहा है, एक डर पैदा है इनके अंदर। मैम क्या कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म से डर गया हिंदू धर्म?
जी एक बात आप ये बताएं ना कि अगर अगर उन्हें डर पैदा नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी, अगर मान लीजिए चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो चाहे कोई भी हो, अगर दीक्षा प्रोग्राम बौद्ध धर्म का लोग ग्रहण कर रहे हैं वो वही तो लोग कर रहे हैं। अगर वो व्यक्तिगत उनका मामला है, अगर दीक्षा है कि मैं क्या नाम है राम की पूजा नहीं करूँगा, ब्रह्मा विष्णु की पूजा नहीं करूँगा, हमारी जो 22 प्रतिज्ञा है उसके अंदर अगर वो उस चीज़ को पालन करते हैं तो उनमें उनकी क्या प्रॉब्लम है? मैम उनको कहा जा रहा है तमाम चीजें हम तो नहीं मानते, ये तो उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू देवी देवता का अपमान किया है। भाई इसके अंदर हिंदू देवी देवता का अपमान की कोई बात नहीं, उन्होंने तो 22 प्रतिज्ञा पढ़ी है भाई, वो तो जो क्या नाम है जो वो धर्म ग्रहण किया था बाबा साहब ने भी है, वो 22 प्रतिज्ञा तो पूरी लिखित में है, लिखित बद है एक तरीके से, तो वो 22 प्रतिज्ञा उसमें उन्होंने कहा हिंदू देवी देवता का अपमान किया, वो तो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदू धर्म की तो कोई बात ही नहीं आ रही, वो तो अपने एक जो उनका धर्म है बौद्ध धर्म उसको लेकर चल रहे हैं। तो मैं इसको मानती हूँ, अगर मैं विचारधारा के से ऐसा करती हूँ तो अगर राजेंद्र पाल गौतम हो चाहे जो भी हो, जिन्होंने अगर मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उनको दीक्षा दिलवाई तो मैं इसको गलत नहीं मानती। ये BSP जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वाकई में इस तरह की सरकार है कि ये तानाशाही सरकार है देखने को मिलती है। जो लोग हैं, हमारा जो समाज है दिन प्रतिदिन आज क्या नाम रोजी रोजगार से वंचित होता जा रहा है, आप वो नहीं दे रहे, आप कभी चुनाव में लग जा रहे हैं, कभी नोटबंदी में लग जा रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी इन्होंने अग्निपथ नाम की वो जो योजना चलाई जिसके अंदर हमारे जो सेना में जाने वाले लोग थे उनको 4 साल के लिए कर दिया। आप ये बताइए जो युवा है, जो कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि युवा भविष्य है, उस भविष्य को आप किस अधर में कर रहे हैं? 4 साल की मतलब करने के बाद उनको रिटायरमेंट, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? तो मतलब आपको अगर जो नेता बनना है, एक नेता बनेगा तो वो 90 साल का भी हो जाए, 100 साल के आप आ जाए, उनकी कोई कंडीशन नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी वो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो आप उसको 4 साल में सिमटा दे रहे हैं, ना जाने आप सोचिए वो गरीब व्यक्ति, वो गरीब बच्चा कितनी मेहनत कर उस जगह पर पहुँचता है, चाहे रेलवे की नौकरी के लिए, तमाम लोगों पर सरकारी नौकरी में जाने के लिए, लेकिन आपने क्या करा, धीरे धीरे आप रोजी रोजगार खत्म करते जा रहे हो। हमारा समाज जो है आप सोच रहे हो कि ये समाज आगे ना बढ़े और इसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, रोजगार से वंचित कर दिया जाए, इनका मोदी सरकार का यही मतलब एक मानसिकता हो गई। मैम मोदी सरकार का कहना है अग्निवीर से काफी फायदा होगा युवाओं को, इसमें क्या फायदा होगा? मुझे तो लगता नहीं है ज्यादा फायदा है। ये फायदा इनको ये होगा कि जो मोटी मोटी जो इनको तनख्वाह देनी पड़ती थी वो इनकी रुक जाएगी, पेंशन देनी पड़ती थी वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो किसमें इसका फायदा हुआ? इसमें तो सरकार का फायदा हुआ, उन युवाओं का फायदा क्या हुआ? उन युवाओं का तो भविष्य अधर में चला गया, ये सोचिए ना, तो आप खुद ही बताइए। और दूसरी बात है कि जो युवा होता है, युवा देश का भविष्य है, युवा को आगे लाना चाहिए, नारी है, नारी के एक तरफ तो क्या कहते हैं लाल किले पे वो कहते हैं नारी सम्मान की बातें करते हैं, वहीं पे आप देखिए कि उसी 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो जिसके साथ इतनी जघन्य अपराध हुआ, उसके परिवार के लोगों को क्या नाम है मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, उस महिला के साथ क्या नाम है गैंग रेप करा गया, और उसी दिन उन अपराधियों को क्या नाम है जो अभी सजा काट रहे थे उनको नाम है फूल मालाओं के साथ, तिलक के साथ उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो आप ये नारी मतलब सम्मान कहाँ हो रहा है? इससे तो एक नारी को आप अपमान कर रहे हैं भाई, वो नारी सम्मानित तो वो सुरक्षित कहाँ? तो जो अपराधी होंगे तो उनका हौसला दिन प्रतिदिन तो बढ़ता ही जाएगा ना चीज़ों पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।